हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मेरा नाम है आरवी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Redmi Note 6 Pro, Realme 2 Pro और Nokia 5.1 Plus। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इन तीनों मोबाइल के कंपैरिजन करके कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा है और आपको इन तीनों में कौन सा परचेज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो अगर आप मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपये के बजट के आसपास, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको बताऊँगा इन तीनों में आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं Nokia 5.1 Plus आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके के लुक में, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लुक के अंदर। मिरर व्यू टाइप का आपको इसके अंदर लुक मिल जाता है। 5.86 इंचेस की नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है, बड़ी नॉच आपको देखने को मिल जाती है इस मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर दिया गया है फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। ईयर पीस आपको देखने को मिल जाता है और सेंसर। बाकी डिस्प्ले का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। बेजल्स आप देख सकते हैं नोकिया की ब्रांडिंग हुई है बेजल्स के ऊपर, और साइज भी देख सकते हैं बेजल्स का कितने छोटे आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड पर आपको वॉल्यूम कीज और पावर की देखने को मिल जाती है, ऊपर 3.5 mm का जैक और नॉइस कैंसिलेशन माइक। नीचे की तरफ से आप देखेंगे आपको मिल जाता है स्पीकर, माइक और टाइप सी केबल का सपोर्ट। इसके अंदर टाइप सी केबल लगती है दोस्तों, ये चीज इस मोबाइल के अंदर काफी अच्छी बात है। बाकी देख सकते हैं चारों तरफ से आपको मिल जाता है बहुत ज्यादा ग्लॉसी लुक। लेफ्ट साइड से आपको मिल जाती है सिम की ट्रेस के अंदर। बाकी इसके अंदर आपको मीडियाटेक का P60 प्रोसेसर मिल जाता है, 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इसके अलावा 3 GB रैम आपको इसके अंदर मिल जाती है, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है इस मोबाइल के अंदर आपको। 13+5 MP का डुअल कैमरा मिल जाता है आपको इसके अंदर बैक साइड पे। स्टॉक एंड्रॉइड का इसके अंदर आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सेटिंग्स में हम देख लेते हैं एंड्रॉइड का वर्जन आपको मिल जाता है ओरियो का लेटेस्ट वर्जन, एंड्रॉइड ओरियो 8.1। बाकी आप देख सकते हैं मोबाइल की डिस्प्ले का लुक किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। 3060 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं Realme 2 Pro को। इसके अंदर आपको मिल जाती है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, आप देख सकते हैं नॉच वाली डिस्प्ले इसके अंदर भी आपको मिल जाती है, जिसके अंदर नॉच के अंदर छोटी सी नॉच में दिया गया है कैमरा, उससे की ठीक ऊपर आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर। सेंसर आपको मिल जाता है इसके अंदर इसके बराबर में। बाकी फ्रंट कैमरा आपको जो मिलता है वो मिलता है 16 MP का। बेजल्स आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.3 इंचेस की, और बहुत ही ज़्यादा छोटे बेजल्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस मोबाइल के अंदर। 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, और स्नैपड्रैगन 660 आपको प्रोसेसर मिल जाता है जो कि है 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। बैक साइड से आप देखेंगे आपको बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी लुक मिल जाता है, और लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे जो आती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक देती है इस मोबाइल को। नीचे की तरफ से आप देखेंगे आपको मिल जाता है स्पीकर, चार्जिंग पॉइंट, 3.5 mm का जैक और माइक। इस मोबाइल में टाइप सी केबल नहीं लगती है, इसके अंदर USB टू माइक्रो USB केबल आपको मिलती है। राइट साइड से आप देखेंगे आपको मिल जाती है पावर की, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड से आपको मिल जाती है सिम की ट्रे और वॉल्यूम कीज। आप देख सकते हैं लुक कैसा लग रहा है इस मोबाइल का। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन माइक। फ्रंट कैमरा इस मोबाइल में आपको मिल जाता है 16 MP का, और बैक कैमरा आपको मिल जाता है इसके अंदर 16+2 MP का डुअल कैमरा। चलिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और देखते हैं इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन मिलता है। तो अबाउट फोन में जाने के बाद आप देख सकते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशंस। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाता है ओरियो का लेटेस्ट वर्जन, ओरियो 8.1। बैटरी के बारे में बात करें तो 3500 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी मिल जाती है, और इस मोबाइल का प्राइस है 14,000 रुपये की वैल्यू के आसपास आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, और Nokia 5.1 Plus आप 11,000 रुपये की वैल्यू के आसपास फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं Redmi Note 6 Pro को, और देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो 6.26 इंचेस की इसके अंदर नॉच वाली डिस्प्ले ही आपको देखने को मिल जाती है। तो नॉच आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको बड़ी नॉच देखने को मिल जाती है, जिसमें दिया गया है डुअल कैमरा, उसके बराबर में स्पीकर और सेंसर। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको डुअल कैमरा मिलता है फ्रंट में, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका डुअल कैमरा आपको मिल जाता है 20+2 MP का, और नीचे से आप देख सकते हैं बेजल्स इसके अंदर काफी छोटे दिए गए हैं नोके के साइज के। बाकी Realme 2 Pro के अंदर आपको बेजल्स और थोड़े छोटे मिल जाते हैं इस मोबाइल के कंपैरिजन में। 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज आपको इस मोबाइल के अंदर मिल जाती है। बैक साइड से आपको मिल जाता है डुअल कैमरा 12+5 MP का, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के लुक में। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर इस मोबाइल के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है, और देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन इसका बैक साइड पे। नीचे की तरफ MI की ब्रांडिंग मिल जाती है। 1.8 GHz का आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिल जाता है, ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 636। लेफ्ट साइड से आपको सिम की ट्रे देखने को मिल जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। नीचे की तरफ से आप देखेंगे इस मोबाइल को आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर, चार्जिंग पॉइंट और माइक। इसके अंदर आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट नहीं मिलता है, USB टू माइक्रो USB केबल इसके साथ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा 4000 mAh की इस मोबाइल के साथ आपको बैटरी मिल जाती है। राइट साइड से आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम कीज देखने को मिल जाती है, पावर की देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर की तरफ से आप इस मोबाइल को देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक, नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर। तो इस मोबाइल के अंदर आपका MI रिमोट आराम से काम कर जाएगा। तो ये था इस मोबाइल का कंप्लीट डिजाइन और लुक। अब बात कर लेते हैं तीनों ही मोबाइल की सिम की ट्रे के बारे में। तो 2 SIM कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ सिर्फ आप Realme 2 Pro के अंदर ही लगा सकते हैं, बाकी Nokia के अंदर और MI के अंदर आप ये चीज़ नहीं लगा सकते। आप 2 SIM कार्ड,
एक साथ लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड। बाकी तीनों ही मोबाइल्स में आपके दो जियो के सिम 4G के एक साथ चल जाएंगे, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली तीनों ही मोबाइल्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं आपको इन तीनों में सबसे बेस्ट मोबाइल कौन सा मिल जाता है, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए कौन सा नहीं, तो वो डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। देखिए अगर आपकी बैटरी की नीड है तो सबसे बेटर बैटरी आपको इन तीनों मोबाइल्स में मिल जाती है Redmi Note 6 Pro के अंदर। ट्रस्ट आपका मैटर करता है, किस ब्रांड पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा डिजाइन आपके लिए मैटर करता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है इन तीनों मोबाइल्स में, डिजाइन आपका किस मोबाइल का ज्यादा पसंद आया। बाकी इन तीनों मोबाइल्स में आपको जो प्रोसेसर बेटर मिलता है वो Realme 2 Pro में और Nokia 5.1 Plus में बेटर मिलता है। अगर आपकी स्पीड की नीड है तो आप Realme 2 Pro में और Nokia 5.1 Plus में ही परचेस करिएगा। आपको इन तीनों मोबाइल्स में कौन सा पसंद आया ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं किसी नई अनबॉक्सिंग वीडियो में कंपैरिजन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।